YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। डाल्टनगंज शहर में सद्दीक मंजिल चौक के समीप नवनिर्मित पीके हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन हुआ। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार, निदेशक रामराज गुप्ता, मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता कुमारी और काफी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश ने कहा कि हॉस्पिटल खुलना पलामू जिले के लिए बड़े ही गर्व की बात है। यहाँ हर वर्ग के मधुमेह रोगियों का इलाज आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाएगा। वहीं अस्पताल निदेशक श्री गुप्ता ने कहा कि डाल्टनगंज शहर में पहली बार मधुमेह रोग विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान करेंगे, इससे लोगों में मधुमेह रोग से बचाव हेतु जागरूकता आएगी। डायबिटीज का इलाज बहुत दिन से होते आ रहा है। आज यहां पे डायबिटिक क्लिनिक का अपग्रेडेशन हुआ। हमारे साथ एक डायटिशियन जो है चेन्नई से पढ़ के आई है, वो हमारे साथ जुड़ गई है। और डायबिटीज के मरीज में सबसे समस्या आती है कि हम लोग दवा लिख देते हैं, लेकिन क्या खाना है नहीं खाना है इसके बारे में टाइम के कमी के चलते हम लोग पूरा डिटेल, जिसमें करीब करीब 20 से 25 मिनट लगता है, पूरा उनका हिस्ट्री लेना, घर में क्या खाना उनका है, जो उसी खाना को एडजस्ट करना है, क्या कब खाइएगा कि आपका आप स्वस्थ रहिएगा, शुगर भी कंट्रोल रहेगा। अमीरों के लिए अलग डाइट बनता है, गरीबों के लिए अलग डाइट बनना पड़ता है। तो किसी भी डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है उतना हिस्ट्री ले कर उसको बता पाए। तो आजकल जो भी डायबिटिक क्लिनिक शहर में तो है ही, डायबिटिक क्लिनिक के साथ डायटिशियन बैठ रही हैं, लेकिन छोटे मोटे टाउन में आज भी डायटिशियन कहीं नहीं मिलते हैं। मैं ममता कुमारी एज आहार विशेषज्ञ, इंग्लिश में डायटिशियन बोलते हैं, यहाँ पे आई हूँ अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर राजेश कुमार, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं इस काम को अच्छे तरीके से निभाऊँ। इनकी गाइडेंस के अंडर रहकर मुझे विश्वास है कि सबका सपोर्ट होने के बाद मैं बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म करूँगी। मेरा मोटिव है हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करना, क्योंकि झारखंड में प्रोडक्शन तो है बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस हम ये जानते नहीं हैं कि हमें हमारी जो डाइट है वो कितना अच्छा है। तो मेरा मोटिव है कि इसके थ्रू, इस पीके हॉस्पिटल के थ्रू मैं ये अवेयरनेस फैलाऊं और सबको जो वेस्टर्न लाइफ में जो जाने वाले हैं उसको वहाँ से जाने से रोकूँ, क्योंकि जो बाकी अदर जितने भी बड़े स्टेट हैं, बड़े सिटीज़ हैं, आप देखो कि दे आर इन टू द वेस्टर्न, 80% दे आर कन्वर्टेड और 70, 50, 60 बट स्टिल झारखंड जो है कितने लोग मैगी खा रहे हैं, कितने लोग ज़्यादा बिस्किट खा रहे हैं, अभी भी कुछ सत्तू खा रहा है, जो भी जो गरीब पुअर फैमिली है सत्तू खा रहे हैं, तो वो अच्छे हैं, उन्हें बताना है, वो बताना है कि वो सही है, वो खा तो रहे हैं लेकिन अफसोस करके खा रहे हैं कि मैं तो सत्तू खा रही हूँ ये है, लेकिन वो बताना है कि नहीं वो उनके लिए सही है। जब ये अवेयरनेस हो जाएगी तो कोई यहाँ खाने के मामलों में गरीब नहीं होगा। वैसे जब फूड कंट्रोल होगा प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फूड प्रोडक्शन तो है बट प्रोटेक्शन नहीं है, सारे सब्जियाँ सड़ जाती है। तो जब ये अवेयरनेस आएगा तो खुद ब खुद ये कंट्रोल हो जाएगा। वुमेंस हेल्थ एंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल यूट्रस कैंसर, ल्यूकोरिया से मेंस्ट्रुएशन इश्यूज बहुत हो रहे हैं, तो अवेयरनेस के थ्रू उनको बचाया जा सकता है कि दे आर वेरी एनेमिक। झारखंड हमारा लीड कर रहा है, फिटल डेथ झारखंड में ज़्यादा है, एनेमिक ज़्यादा है, टीबी ज़्यादा है, तो ये सब अवेयरनेस के थ्रू, हेल्थ अवेयरनेस के थ्रू हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप पीके हॉस्पिटल के डायरेक्टर रामराज प्रसाद गुप्ता, यहाँ पर बहुत दिनों से इंतजार था डायटिशियन का, जब से राजेश सर बैठ रहे थे उस समय से इंतजार था कि डायटिशियन ने कहा है खान पीन पर, खाना पीना पर ध्यान दें, उसके लिए ये मौका आ गया और आज ओपनिंग हुआ। और लामू वासी के लिए, खुशहाली के लिए ये सब हम काम कर रहे हैं। तो मतलब यही डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पीके हॉस्पिटल जब से खुला है बहुत से मरीजों को यहाँ सुविधा मिलती है और बहुत से मरीज डायबिटीज से ग्रसित है अभी की हाई से, जिसके चलते बहुत सारे लोग मतलब मर जा रहे हैं, बहुत तरह का बीमारी फैल जा रहा है, इसलिए हम लोग डायटिशियन डॉक्टर के इंतजार में थे बहुत साल से, लेकिन आज आ गए तो हम लोगों को खुशी है कि तब से पलामू परमंडल में पीके हॉस्पिटल में इनका आज ओपनिंग हुआ और आज से मरीजों को देखना शुरू करेंगे। और यहाँ पर बहुत तरह के लोग, ऐसे लोग हैं जो कि बहुत जगह है कि 500 में रांची में 500 में देखा जाता है, यहाँ 100 रुपया में ही, 200 रुपया